हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम सीखने वाले डार्वस बॉक्स पैटर्न्स। डार्वस बॉक्स पैटर्न, इसे बॉक्स पैटर्न को डार्वस बॉक्स पैटर्न क्यों कहते हैं? क्योंकि निकोलस डार्वस करके एक बंदे थे जो पहले डांसर थे। उन्होंने बाद काफ़ी पैसा कमाने के बाद वो स्टॉक मार्केट की तरफ मूव हुए और उन्होंने काफ़ी पैसा लूज़ किया स्टॉक मार्केट में। पर जब उन्होंने पूरी डिटेल एनालिसिस किया तो उनको आइडेंटिफाई हुआ कि एक चार्ट्स में कुछ पैटर्न्स आइडेंटिफाई होते हैं और वो के बाहर निकलने के बाद वो चार्ट्स अच्छी खासी मूव देता है। तो निकोलस डार्वस के बारे में अगर आपको जानना है तो आप यूट्यूब पे डालिए निकोलस डार्वस, आपको काफ़ी सारे वीडियो मिल जाएंगे उनके लाइव के बारे में। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ सैटरडे नॉलेज सीरीज में बॉक्स पैटर्न कैसे आइडेंटिफाई करना है, और बॉक्स पैटर्न आइडेंटिफाई करने के बाद वहाँ पे ब्रेकआउट आता है तो क्या करना है और ब्रेकडाउन आता है तो क्या करना है। तो सबसे पहली बात दोस्तों कि जैसे कि देखो, कोई भी स्टॉक दोस्तों जब ऊपर जा रहा है तो क्या होता है कि काफ़ी बार एक जगह उसको हमेशा एक ऐसा सेलिंग जोन आ जाता है, वहाँ पे वो जाके अटकता है, और नीचे एक बाइंग जोन आ जाता है कि वहाँ से वो ऊपर जाता है। तो वो बाइंग जोन और सेलिंग जोन काफ़ी दिनों तक रहता है। तो दोस्तों आपको ऐसा स्टॉक दिखेगा जहाँ पे ऊपर एक सेलिंग जोन आ रहा है उसको और नीचे एक बाइंग जोन आ रहा है, तो वहाँ मल्टीपल टाइम वहाँ पे वो रेजिस्टेंस ले रहा है और नीचे मल्टीपल टाइम वहाँ पे वो सपोर्ट्स ले रहा है। तो दोस्तों ये जो स्टॉक है एक ये पूरा एक बॉक्स पैटर्न जैसे दिखता है आपको, मैं कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये स्टॉक ये बॉक्स में फंसा है, ये बॉक्स में फंसा है। इसे कहते हैं स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। काफी बार आपने सुना है काफी सालों तक स्टॉक कंसोलिडेट करता है। इसको आप डेली, वीकली और मंथली चार्ट्स के ऊपर देख सकते हो। मैं इसको इंट्राडे के चार्ट्स के ऊपर नहीं रिकमेंडेड करूंगा क्योंकि उतना अच्छा वहां पे वो ये बॉक्स पैटर्न की स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करती। पर मंथली चार्ट्स, वीकली चार्ट और डेली चार्ट के ऊपर अगर बॉक्स पैटर्न आपको दिख रहा है तो वहाँ पे काफ़ी बढ़िया वो काम करेगा बॉक्स पैटर्न में। और एक चीज़ दोस्तों, जैसे किसी दोस्त ने आपको बता दिया कि ये स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि पहले उसका चार्ट देखना है, लाइन चार्ट। लाइन चार्ट्स के ऊपर अगर आपको दिख रहा है कि वो स्टॉक एक ही जगह कंसोलिडेट कर रहा है, एक ऊपर एक जगह ऐसी है जहाँ पे वो रेजिस्टेंस देता है, नीचे आता है, नीचे एक जगह ऐसी है जहाँ पे वो वहाँ पे बाइंग आती है और ऊपर जाता है, तो आपको वेट करना है उस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के लिए। पहले एक बार देख लो वो स्टॉक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है कि नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे रहा है। जैसे अगर ये स्टॉक ऐसा मूव और इसने ऊपर की तरफ बाहर निकला ये बॉक्स पैटर्न तोड़ के, जैसे इसका एक कंफर्ट जोन था, अब कंफर्ट जोन तोड़ के बाहर कब निकलेगा, जब उसको बायर्स ज्यादा आएंगे सेलर्स से ज्यादा। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे सेलर्स ज्यादा आ रहे थे, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बायर्स ज्यादा आ गए। जब बायर इज मोर देन सेलर तो वो अपने बॉक्स पैटर्न से बाहर निकलता है और ब्रेकआउट देता है, तब आपको इसमें इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। अदरवाइज क्या होगा ना, आप सालों तक एक की रेंज में उस स्टॉक में फंसे रहते हो। कभी कभी कुछ जैसे कि रिलायंस स्टॉक अगर आप देखोगे तो काफ़ी सालों तक एक ही रेंज में फंसा था, जब वो बॉक्स से बाहर निकला तो उसने काफ़ी बढ़िया मूव दे दिए, तो हमारे क्या था, काफ़ी सालों तक पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट रहता है, अपने को अच्छे रिटर्न नहीं मिलते। तो दोस्तों अपने को क्या देखना है, अपने को वो देखना है कि वो स्टॉक कहीं कंसोलिडेट तो नहीं हो रहा, बॉक्स पैटर्न में तो नहीं फंसा है। जैसे ही वो स्टॉक बॉक्स पैटर्न में फंसा है तो उसको वेट करना है, उसको ब्रेकआउट देना है। जब उसका ब्रेकआउट आएगा ऊपर की तरफ, जैसे ही ब्रेकआउट आता है वो कैंडल, तो आपको कैंडल चार्ट के ऊपर कन्वर्ट करना है, वो कैंडल पे आपको उस पर एक क्लोजिंग आने के बाद आप दूसरे दिन या उसके क्लोजिंग में आप उसमें बाइंग पोजीशन बना सकते हो। और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस अगर बॉक्स पैटर्न बहुत बड़ा है, नीचे एकदम उसका सपोर्ट है, तो वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस आपको नहीं लगाना है, वही कैंडल का ब्रेकआउट कैंडल का लो आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और इसका टारगेट क्या हो सकता है, जिसका जितना बड़ा जो बॉक्स का साइज है, जैसे कि ये बॉक्स का ऊपर से नीचे तक साइज है, तो ये ऊपर अपना ऐसा टारगेट यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ पे बॉक्स पैटर्न में ऐसा ही वर्क होता है, मैंने काफी बार यहाँ पे काम किया है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे स्टॉक ऊपर जा रहा है और ये कंसोलिडेट हो गया है, यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, कभी कभी ये ऊपर ब्रेकआउट नहीं देता, नीचे ब्रेकडाउन देता है। जब नीचे ब्रेकडाउन दे रहा तो अगर ये स्टॉक FNO का स्टॉक है तो आप इसमें सेलिंग पोजिशन भी बना सकते हो। स्टॉक बॉक्स पैटर्न ऐसा नहीं कि सब आप ट्रेंड भी बनाता है, डाउन ट्रेंड में भी जब स्टॉक नीचे आ रहा है तो कभी कभी स्टॉक ये कंसोलिडेट करता है ऐसा। अब यहाँ पे भी दोनों एक पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, एक तो ये ब्रेकआउट देगा या नहीं तो ये ब्रेकडाउन देगा, तो आपको वेट करना है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का। तो हम अगर इसको लाइव एग्जाम्पल के साथ देखते हैं तो मैं कुछ आपको स्टॉक दिखाता हूँ जहां पर इसने ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दिया है।
अब दोस्तों ये देखिए, ये है एसीसी का स्टॉक। एसीसी का जो स्टॉक है, ये स्टॉक यहाँ पे अंदर आने के बाद 28 मार्च से अंदर आने के बाद ये स्टॉक यहाँ पे मल्टीपल यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ये एक ही जोन में फंसा था। जब इसने ब्रेकडाउन दिया तो ये स्टॉक काफी अच्छा खासा नीचे गिर गया। जब ब्रेकडाउन दिया तो यहाँ पे क्लोजिंग पे अगर हम सेलिंग पोजिशन बनाते थे और अपना टारगेट यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे इसका लो रखते थे, और टारगेट जो इतना इसका ये जो रेंज है अगर ये देखते तो ये रेंज का आराम से इसमें अपने टारगेट मिल जाते थे। तो ये है दोस्तों एसीसी का स्टॉक जहाँ पे ब्रेकडाउन दिया था बॉक्स बनाने के बाद। अब दोस्तों ये देखिए, ये भी सीजीसीएल एक कंपनी का स्टॉक है जो स्टॉक काफी दिनों से एक बॉक्स पैटर्न में फंसा था। आप देख रहे होंगे यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स इसने ये रेजिस्टेंस लिया है। ये मल्टीपल टाइम इसने रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया और मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया। ये बड़ा बॉक्स पैटर्न था दोस्तों। ये बॉक्स पैटर्न से कब से फंसाया था? 15 जून 2023 से लेके ऑलमोस्ट 8 जनवरी 2024, ऑलमोस्ट 6 महीना ये स्टॉक एक ही रेंज में फंसा था। 815 से 736 रुपए के रेंज में ये स्टॉक फंसा था। और जब इसने ये 815 का ब्रेकआउट दिया तो ये ऊपर गया, फिर से इसने इसका रेजिस्टेंस का रिटेस्ट किया और ये स्टॉक ऊपर गया। जब रेजिस्टेंस टूटने के बाद वो सपोर्ट बन जाता है तो वैसे ही वो सपोर्ट बन गया और बाद में वो स्टॉक ऊपर गया। तो ये दोस्तों सीजीसीएल का स्टॉक आप देख रहे होंगे। अब मैं नेक्स्ट स्टॉक आपको दिखाता हूँ दोस्तों, एक इंडियन बैंक करके एक स्टॉक है, इंडियन बैंक। इंडियन बैंक में देखिए दोस्तों, ये स्टॉक भी जब कम 18 सितंबर 2023 से लेके 29 जनवरी, अब तक ये स्टॉक एक रेंज में फंसा था 457 से लेके 400, ये 57 रुपए के रेंज में ये स्टॉक फंसा था। अब जब ये बॉक्स पैटर्न का इसने ब्रेकआउट दिया है, जैसे ही ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के क्लोजिंग पे अगर हम इसमें बाइंग पोजीशन बनाते हैं और यहाँ पे नीचे स्टॉप लॉस लगाते तो देखिए स्टॉक ने यहाँ पे पिछले 1 2 3 4 5 5 सेशन में ये स्टॉक 457 से लेके 545 तक गया है। तो दोस्तों काफी बढ़िया मूव, 100 रुपीज की मूव, ऑलमोस्ट 20% की मूव इसने आने वाले पिछले पिछले 5 दिन में दी है इंडियन बैंक ने। और एक स्टॉक हम दोस्तों देखते हैं, अभी ऐसे 2 स्टॉक हम देखेंगे जहां पे ये अभी ब्रेकआउट देने के इस पे चांसेस पे बॉक्स पैटर्न बन रहा है। हाँ भाई, एक दोस्तों बीडीएल, दोस्तों बीडीएल देखिए, बीडीएल स्टॉक ये अप ट्रेंड में था और अभी 27/12 पिछले 1 महीने से ये स्टॉक दोस्तों एक रेंज में फंसा है, 1771 और 1637 ये रेंज में ये स्टॉक फंसा है, 1771 1637 ये रेंज में एक स्टॉक फंसा है। नाउ वी हैव टू वेट, ये स्टॉक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है या नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है, तब तक हमें इसमें कोई भी बाइंग पोजीशन नहीं बनाना है फॉर लॉन्गर टर्म। आप देख रहे होंगे अभी बजट में यहाँ पे मोर देन 6 लाख करोड़ रुपए 2025 और 26 के लिए गवर्नमेंट ने अलोकेट किए हैं डिफेंस सेक्टर के लिए। पर बीडीएल एचएल काफी बढ़िया स्टॉक है, पर वी हैव टू वेट टिल ब्रेकआउट इन द बीडीएल स्टॉक। तो हमें वेट करना है बीडीएल स्टॉक में, जब ये 1771 के ऊपर ब्रेकआउट देगा और क्लोजिंग देगा, देन वी हैव टू टेक द एंट्री इन दिस स्टॉक। फिर वो जो कैंडल बनेगी वो कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर हमें एक बाइंग पोजीशन बनाना है, उसका लो हमें स्टॉप लॉस लगाना है। और यहाँ पे हम दोस्तों ये स्टॉक में अच्छी खासी मूव आने वाले समय में देख सकते हैं। एक स्टॉक और है जहां पे मुझे दिख रहा है, केपीआईटी में देखिए दोस्तों, केपीआईटी में यहाँ पे अब ऊपर की तरफ क्लोजिंग आया है दोस्तों। ये देखिए केपीआईटी, आईटी कंपनी का भी दौर चल रहा है। ये स्टॉक को लाइन चार्ट के ऊपर डालेंगे, देखिए ये स्टॉक कितने दिनों से 1423 और 1560 के करीब ये स्टॉक कितने दिनों से फंसा था, ऑलमोस्ट 2 महीने से ये स्टॉक एक ही रेंज में फंसा था। अब दोस्तों ये स्टॉक की बारी आ गई है बाहर निकलने के लिए। ये स्टॉक ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया है, हम वहां पे बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। हमारी बाइंग पोजीशन मंडे को स्टॉक मार्केट चालू होती है, हम बना सकते हैं। उसका स्टॉप लॉस होगा हमारा 1538 का, 1538 का स्टॉप लॉस होगा। और जैसे ही स्टॉक ये ऊपर की तरफ मूव करता है तो हमें यहाँ से 70 to 80 पॉइंट्स की मूव यहाँ पे दिखती है, 1650 1660 रुपये हमारा यहाँ पे टारगेट आ सकता है। तो आप केपीआईटी में भी वॉच रखिए। तो दोस्तों ये बॉक्स पैटर्न एक रेंज में फंसा रहता है, इसे कंसोलिडेट करता है स्टॉक, ऊपर ब्रेकआउट आने के बाद बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, नीचे ब्रेकडाउन आने के बाद हम इसमें सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं अगर वो स्टॉक आपके एफएनओ का हो तो। दोस्तों आशा है आपको ये बॉक्स पैटर्न समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।